एमएस पावर पॉइंट 2016 के इस अध्याय में फॉर्मेट टैब में अरेंज ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे इमेज की पोजीशन और अलाइनमेंट बदलना। यदि आपने किसी स्लाइड में एक से अधिक इमेजेस या इमेज और टेक्स्ट इंसर्ट किए हुए हैं और आप उनका ऑर्डर बदलना चाहते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट या इमेज को आगे या पीछे करना चाहते हैं, या किसी इमेज का अलाइनमेंट बदलना चाहते हैं, या उन्हें रोटेट करना चाहते हैं, तो ये सब कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं। इस डॉक्यूमेंट में हमने पहले से ही दो इमेजेस डाल रखी हैं। हमें इस पीछे वाली इमेज को आगे लाना है, तो उसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सिलेक्ट करने के लिए पहले हम ऊपर वाली इमेज पर क्लिक करके उसको थोड़ा सा सरका देते हैं, और अब जो दूसरी इमेज है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब फॉर्मेट टैब के अरेंज ब्लॉक में जाकर ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पीछे वाली पिक्चर आगे आ गई है। अभी हमने इस ऑप्शन का उपयोग केवल दो इमेजेस के लिए देखा। अगर दो से ज्यादा इमेजेस हों तो हम किसी इमेज को आगे की तरफ कैसे लाएंगे, ये देखने के लिए हम एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीन इमेजेस हैं। अब मान लीजिए हम सबसे नीचे वाली जो इमेज है उसको ऊपर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने पहले इसको सिलेक्ट किया। अब ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये इमेज सबसे आगे आ गई है। यदि किसी इमेज को पीछे की तरफ भेजना हो तो इमेज को सिलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए ये वाली जो हमारी इमेज है वो इस इमेज के पीछे चली गई है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर ये सिंगल ट्यूलिप वाली जो पिक्चर है, मान लीजिए हम इसको सबसे पीछे भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और सेंड बैकवर्ड में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब ये दो जो पिक्चर्स हैं उसके पीछे वो पिक्चर चली गई है, हम उसको खसका करके देख सकते हैं। ये देखिए अब ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के भी पीछे चली गई है। अब अगर आप इसे टेक्स्ट के आगे लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेट टैब में अरेंज के जो ऑप्शंस हैं उन्हीं का उपयोग कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर वो इमेज आ गई है। यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन है सिलेक्शन पैन। इस ऑप्शन की सहायता से हम सभी इमेजेस और टेक्स्ट का ऑर्डर और विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं, उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर 2 सबसे ऊपर है, उसके नीचे है पिक्चर 1, उसके नीचे है पिक्चर 3 और सबसे नीचे है टेक्स्ट जिसका नाम यहाँ पर कंटेंट प्लेस होल्डर 4 लिखा हुआ है। अब यदि हम पिक्चर 2 को क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए वो पिक्चर 1 के नीचे आ गई है। अब यदि हम पिक्चर 3 को क्लिक करके सबसे ऊपर कर देते हैं तो ये देखिए हमारी सबसे पीछे वाली जो पिक्चर थी वो सबसे आगे आ गई है। इसी तरह से अगर आपको टेक्स्ट को सबसे आगे लाना है तो इसको क्लिक करके ड्रैग करके सबसे ऊपर ले आए। ये देखिए अब टेक्स्ट सबसे ऊपर आ गया है और इमेजेस पीछे चली गई हैं। इस तरह से आप इनका ऑर्डर बदल सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर के नाम के आगे ये आंख जैसा एक जो निशान दिखाई दे रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी निशान पर आप क्लिक करेंगे वो वाली पिक्चर डॉक्यूमेंट से हट जाएगी। ये देखिए वो निशान यहाँ से चला गया है, उसकी जगह एक स्ट्रेट लाइन आ गई है और डॉक्यूमेंट से वो पिक्चर भी हट गई है। अगर वापस हम इस स्ट्रेट लाइन पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर वापस आ जाएगी। इस तरह से
यहाँ से अब हमने बाकी सारी इमेजेस हटा दी हैं, एक इमेज रखी है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन, उसके लिए हमने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन ऑब्जेक्ट्स। इस ऑप्शन की सहायता से आप इमेज को डॉक्यूमेंट में एक प्री डिफाइंड पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप इत्यादि। इसमें से आप अलाइन के जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इमेज वैसी ही अलाइन हो जाएगी, जैसे हमने अलाइन लेफ्ट पर क्लिक किया। ये देखिए इमेज पेज के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर लेफ्ट, सेंटर और राइट के बाद तीन ऑप्शंस हैं, अलाइन टॉप, मिडिल और बॉटम। जिस भी तरफ आपकी वो इमेज होगी, जैसे अभी हमारी इमेज लेफ्ट में है, अब उसमें आप इमेज को टॉप पर रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ इन तीनों ऑप्शंस में से एक चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से चुना अलाइन बॉटम। ये देखिए हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में ही नीचे की तरफ खसक गई है। इसी तरह से अगर हम इसको राइट में अलाइन करेंगे तो ये ऐसी की ऐसी राइट में आ गई है। अब राइट के अंदर आप इसको टॉप, मिडिल, बॉटम जहां चाहते हैं वहां ले सकते हैं। हमने चुना टॉप तो ये राइट में टॉप पर आ गई है। अब यहाँ पर रोटेट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, इसकी सहायता से हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे जो ऑप्शंस हैं, उन पर जब आप माउस ले जाएंगे तो क्या चेंजेस पिक्चर में आएंगे वो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। इसमें से आपको जिस भी एंगल पर या जिस भी तरह से पिक्चर को रोटेट करना हो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है, इमेज के ऊपर आपको ये रोटेट करने के लिए निशान नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके जिस भी दिशा में आपको इसको रोटेट करना हो माउस को घुमा करके आप पिक्चर को उतना रोटेट कर सकते हैं। जिस एंगल पर आप उसको छोड़ेंगे उस एंगल पर पिक्चर रोटेट हो जाएगी। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में फॉर्मेट टैग के अंतर्गत अरेंज ब्लॉक में आज आपने सीखा इमेज की पोजीशन और अलाइनमेंट बदलना।